जल्द ही बिना डेबिट कार्ड के सिर्फ अपने यूपीआई आईडी नंबर के जरिए एटीएम में नकदी जमा की जा सकेगी। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ग्राहकों की सहूलियत के लिए यह ऐलान किया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोकप्रिय यूपीआई से जुड़ी यह सुविधा जल्द एटीएम में उपलब्ध होगी। फिलहाल सिर्फ डेबिट कार्ड के जरिए नकद जमा करने की सुविधा है। गिवन द एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम कार्डलेस कैश विथड्रॉयल यूजिंग यूपीआई एट द एटीएम्स, इट इज नाउ प्रपोज टू फैसिलिटेट डिपॉजिट ऑफ कैश इन सीडीएम्स, दैट इज इन द कैश डिपॉजिट मशीन्स यूजिंग यूपीआई। दिस मेजर विल फर्दर एनहांस कस्टमर कन्वीनियंस एंड मेक करेंसी हैंडलिंग प्रोसेस एट बैंक्स मोर एफिशियंट। केंद्रीय बैंक ने थर्ड पार्टी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एप्लीकेशन के जरिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या पीपीआई को जोड़ने की इजाजत देने का भी फैसला किया है। लोगों ने रिजर्व बैंक के फैसले का स्वागत किया है। आम पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा वेलफेयर होगा क्योंकि अब और बैंकों के लिए भी एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप होगा क्योंकि अब उनको ज़्यादा मतलब बैंकों में बहुत ज़्यादा रस होता है और बहुत सारे लोगों की शिकायत भी रहती है कि लंच ब्रेक हो गया या ज़्यादा भीड़ थी इस वजह से वो वर्किंग आवर्स में नहीं जा पाते थे, तो इससे बैंकों के ऊपर एक रिडक्शन हो गया। आई फील लाइक इट विल सेव द टाइम ऑफ द कस्टमर्स बिकॉज वी डोंट हैव टू स्टैंड इन द लॉन्ग क्यू एंड इट विल आल्सो रिड्यूस द वर्क प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच वर्क प्रेशर एज इट कंपेयर्स टू द वन व्हिच वी हैव ऑलरेडी। तो ये अच्छा फैसला है, इसमें बैंकों पे जो लोड होता है या लाइनें लगी होती हैं वो उस पर जरूर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, तो जमा करना कोई अच्छा है, अच्छा डिसीजन है वैसे ये। और बाकी सब्जेक्ट टू होगा कि कितना अमाउंट तक जमा कर सकते हैं क्या, और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हो तो डॉक्यूमेंट आने के पर पूरा ही पता चल पाएगा, बाकी अच्छा डिसीजन है। रिजर्व बैंक ने थर्ड पार्टी यूपीआई के जरिए पीपीआई को जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा है, इससे इस्तेमाल करने वालों के पास ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इससे पीपीआई होल्डर बैंक खाता रखने वालों की तरह यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि इनके ऑपरेशन के निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।